हमारे साथ नेता बीजेपी और वरिष्ठ वकील अमिताभ जी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि दुरुपयोग किया गया है संसद में बोलने, आवाज जो दबाने के लिए राहुल गांधी के साथ ऐसा हुआ है। मैं अपने परिचय के दूसरे हिस्से के विषय में बहुत बताऊं कि मैं चूंकि एक कानून का विद्यार्थी हूं और एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, तो मैं उस नाते थोड़ा सा कानूनी पहलू पे जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि इसका राजनीतिक पक्ष जो भी हो, सबसे पहले देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से जरूर जानना चाहिए। और कल से लगभग उन्होंने समझा भी होगा, सिर्फ रिमाइंडर देना चाहता हूँ मैं कि जो आरपी एक्ट, जो जनप्रतिनिधि कानून है, उसके सेक्शन 8C में ये कहा गया है कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर जो व्यक्ति है वो न सिर्फ सदस्यता उसकी रद्द होती है, बल्कि वो आगे चुनाव लड़ने से भी 6 साल के लिए वो पूरी तरीके से निलंबित कर दिया जाता है। ये लालू यादव जैसे तरीके कई एक और आजम खान जैसे कई उदाहरण हैं देश में। अब मैं बात करता हूं इस मुद्दे पे जिसमें कि कह रहे हैं कि सस्पेंशन हो गया इससे। नहीं अमिताभ जी, तो इसी में सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे, क्योंकि 1 महीने का वक्त कानूनी पहलू को लेकर है, आप कानून के जानकार हैं। गिरा जा रहा है और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर देकर के एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया, तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है, उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यवाही हुई है, उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। देखिए, जो देश में कानून की स्थिति है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूर्व में निर्णय दिया गया है, उसके अंतर्गत यह स्पष्ट है कि आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है, और उस कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन की घोषणा की है। लेकिन मूल विषय जो है, और आज सुबह से मेरे को ओबीसी समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं कि क्या कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेता एक सरनेम पे एक समाज को, पूरे समाज को क्या चोर कह सकता है? क्या ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों को अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते, तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं? ये अब्यूज कर रहे थे, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे, गाली देने में और आलोचना करने में अंतर होते हैं। कोई लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे राहुल गांधी, एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे, जो उनकी इस कृत्य के कारण उनको सजा हो चुकी है लोकसभा में। क्यों डरते हैं? कोको कोला के अंदर कैसा, उसके क्या क्या है, उस तक जीपीसी हुई है। और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसमें कि लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, 10 लाख करोड़ डूबे हैं लोगों के, बैंकों का पैसा डूब रहा है, उसकी जांच तक नहीं होगी? इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो कुछ हुआ है, उसकी जांच होना चाहिए। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। हाँ ठीक है, डिटेन करने के चल लिया है, हम तो और जहां जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जेपीसी करवा कर रहेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, और मोदी जी को मजबूरी में ये जेपीसी लागू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम आखिरी दम तक इनसे हिसाब मांगेंगे। अब सर आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? उधर वो तो खड़गे जी तय करेंगे। उधर नड्डा जी कह रहे हैं कि ये, अरे नड्डा जी, अरे एक बात सुन लो, नड्डा जी आप ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ग के हैं, आपने कभी ओबीसी के बारे में कभी बात की है? अरे ओबीसी का आरक्षण किसने किया है? उस समय जनता दल में हुआ, आपने जनता दल का समर्थन छोड़ दिया था मंडल कमीशन की वजह से।
आप कहाँ की ओबीसी की बात करते हैं? आप लोगों को उम्मीद थी इतने आनंद। और दूसरी बात यह है, ये कह रहे हैं मोदी समाज, अरे मोदी में तो बनिया भी हैं, ओबीसी भी हैं और अनेक लोग हैं, अपर कास्ट भी है, मोदी बनिया अपर कास्ट हुआ हमारे यहाँ, जैन है। तो ये का झूठ बोलने वाले, मैं समझता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस में झूठ बोलने वालों का कोई मुकाबला नहीं। उम्मीद थी आज क्या फैसला? अरे मालूम था, उम्मीद क्या थी, मालूम था होना ही। क्या कारण है कि 3 साल पहले एक मुकदमा दायर होता है और चुनाव उसके बाद 2017 का उनका भाषण है, उसके बाद जो जिसको आपत्ति है वो कहता है कि अभी मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता, और वो कहां जाता है हाई कोर्ट में कि स्टे करवा देता है प्रोसीडिंग्स। क्यों करवा देता है? क्योंकि उसको लगता है कि जो वहां जज साहब हैं वो राहुल गांधी जी को रिलीफ दे देंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, राहुल गांधी जी ने यही तो कहा कि बड़े बड़े चोर हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसे, इनको वापस क्यों नहीं लाते? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था चुनाव के पहले कि मैं काला धन लाऊंगा, एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए दूंगा, कहा था कि नहीं कहा था? लाओ ना काला धन। इनके राज में काला धन आया नहीं है, यहां से गया है प्रमाणित रूप से। हम कह रहे हैं प्रमाणित रूप से, मैं कह रहा हूं कि आगे बढ़ाना है तो सार्थक विषय, मूल विषय, क्रिटिसिज्म और अब्यूज में अंतर होता है। ये अब्यूज कर रहे थे, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे, गाली देने में और आलोचना करने में अंतर होता है। कोई लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे राहुल गांधी, एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे, जो उनकी इस कृत्य के कारण उनको सजा।